अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 28 नवंबर सैटरडे ने हफ्ते का दिन है, और इस वक्त हम कार्वन डिवीज़न में आए हुए हैं। कार्वन में जैसे कि आप मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, ये आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं, हैदराबाद शहर इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता है। जनाब उस्मान अल हाजरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑलरेडी पहले भी कंटेस्टेड MLA रह चुके हैं, और साथ ही में इस वक्त ये कार्वन एरिया से कांग्रेस पार्टी से यहाँ के इंचार्ज हैं, जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। और साथ ही में आप लोगों को मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ खुसूसी, कि ये वो इंसान है, वो शख्स है जिन्होंने कई सारी मस्जिदों को, जो मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, जिसे दफन करने की कोशिश की जा रही थी, वैसे मस्जिदों को इन्होंने आबाद किया है, और कई सारे कब्रिस्तानों को भी इन्होंने बचाया है। तो इस ताल्लुक से हम इस वक्त हम जो आए हैं कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज है, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आवाम के बीच में रहकर क्या काम को अपना अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का इंतहा फजल व करम है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के सालमियत, इस मुल्क के अमन व अमान के बरकरारी के लिए एक ऐसी जमात के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह BJP से सबसे ज़्यादा सफ़े अव्वल में BJP की मुखालिफत और BJP के सामने डटी हुई है, अपने इख्तदार की परवाह किए बग़ैर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इसके इस मुल्क की शिराजा बंदी के लिए, जो मुल्क में फ़िरका परस्त अनासिर जिस तरह से सर उठा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, और तमाम जो मुसलमानों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से, बिछड़े हुए तबक़ात के ताल्लुक से जो मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया है इस सिलसिले में, और जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन आज ख़तरे में, हमारा दस्तूर हिंद, उसको बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी सफ़े अव्वल में है, पेश है तमाम सेक्युलर जमातों के साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे फ़िरका परस्त अनासिर के साथ नहीं रखा। रही बात कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मौजूदा हालत ये है कि TRS मुसलमानों के साथ कौन से वादे तकमील की, मुसलमानों के से जो वादे किए गए थे, क्या TRS की जानिब से 12% रिजर्वेशन देने का जो वादा किया गया था पूरा हुआ, क्या वक्त को जुडिशल पावर देने की बात हुई थी वो पूरी हुई, साथ ही साथ ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऐलान किए थे, वो फंड कहाँ गया। इसके अलावा ओल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी आप देख रहे हैं, शहर के अतराफ में मेट्रो का पूरा चाल बीत चुका है, लेकिन ओल्ड सिटी इसको नज़रअंदाज करके रखा गया। इलेक्शनों से पहले, पिछले इलेक्शनों में ऐलान हुआ था, ये इलेक्शन में तो वो भी ऐलान नहीं हुआ कि हम मेट्रो को लाएंगे। मेट्रो के लिए यानी दिखावे के लिए, सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए वहाँ पर मार्किंग भी की गई थी, मेट्रो के अहदेदार आए थे, लेकिन वो मसले को भी पसे पुश्त रख दिया गया। निज़ाम सरकार मेरे बादशाह है बोलते थे, बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, ये फ़ख्रिया तौर पे कई मरतबा आप लोगों ने देखा होगा कि हुजूर निज़ाम के ख़बर पर जाकर ये चादर भी चढ़ाए थे वहाँ पर, और ये ऐलान किए थे कि हुजूर निज़ाम मेरे बादशाह है, मेरे आइडियल है। आज हुजूर निज़ाम के कितने प्रॉपर्टियों को तबाह कर दिया जा रहा है, कहाँ। इसके अलावा जो मुतासिबाना रवैया मुसलमानों के साथ किया गया, एक लड़का याद है सबके सामने मीडिया में, उसने ये पूछा था कि हमारा 12% रिजर्वेशन क्या हुआ, तो सबके सामने KCR साहब, जो बार बार थकते नहीं थे मुसलमानों के रिजर्वेशन, कैसा भी मैं तमिलनाडु की तरह वो तरीके पे मैं ज़रूर रिजर्वेशन दे दूंगा यहाँ पर, तो जब वो लड़का सवाल किया, ये याद है आज भी आवाम को याद है कि भैया साहब आप रिजर्वेशन देते बोले थे 12%, बैठो बैठो बैठो, उन्होंने बार बार उन्हें पूछ रहा, तो मैं तुम्हारे बाप को बोलता हूँ बैठो। तो इस तरह से जो मुतासिबाना रवैया, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद आपके हमारे सामने सबके सामने है, इसके अलावा मस्जिद खाना वहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, किसी हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं था,
जब वो मस्जिद को शहीद किया गया तो वहाँ पर मस्जिद में हम जाके अल्लाह के फजल से नमाज़ पढ़े। सैयद सलीम जो अलहाज मोहम्मद सलीम जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अच्छे आदमी हैं, वो अल्लाह के फजल से उनकी मदद से हम जाके नमाज़ पढ़े। लेकिन कुछ मफाद परस्त अनासिर वहाँ पर एक फसाद की एक ऐसा हवा खड़ा कर दिए जिसकी वजह से वहाँ मस्जिद जो तामीर हो रही थी, मस्जिद बन रही थी, मस्जिद रुक गई। हमारे महमूद अली साहब ने वादा किया था कि बहुत जल्द वहाँ पर मस्जिद तामीर कर देंगे। बारह मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के बावजूद वहाँ पर मस्जिद आज तक तामीर नहीं हुई। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का कसूर क्या था, उसको तोड़ने का ज़रूरत क्या थी? हमारे महमूद अली साहब ये बोले थे कि थोड़ा सा मलबा गिरा उसका, लेकिन तमाम मीडिया वाले जाकर उसको एक्सपोज किए, सफ़े हस्ती से मिटा दी गई मस्जिद। वहाँ के कुरान शरीफ, वहाँ के जायनमाज, वहाँ के दीगर जो भी मुसल्ले, इमाम का जो भी वो सामान था वो कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। मैं केसीआर साहब से सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो वादे किए थे उन पर कौन सा एक भी वादे पर अमल किए, और फिर किस सूरत से मुसलमान आपको वोट दें? क्योंकि मैं वो सिपाही हूँ जो अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए कई मरतबा अरेस्टिंग पेश कर चुका हूँ। केसीआर साहब से मेरी बात भी हो चुकी उस वक्त 2011-12 में 14 तक उन महमूद अली साहब कई मरतबा हमारे मकान आए, और हम कई मरतबा महमूद अली साहब जानते हैं सब लोग। केटीआर साहब को, महमूद अली साहब को ला के हम यहाँ शुजा कॉलेज में अलहदा तेलंगाना का पहला अकलियती कन्वेंशन जो मुसलमानों का किए थे, यहीं किए थे, कारवान में किए थे। उसके बाद जमात इस्लामी का कन्वेंशन हुआ था निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर। सिला क्या मिला मुसलमानों को? मुसलमान इसके एवज़ जो नौकरियों का वादा किया गया था, मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने का वादा किया गया था, होल सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का वादा किया गया था, फिर ये वादे क्यों और कहाँ तक मुसलमानों के साथ अमल किए गए? यही चंद सवाल थे जो हम केसीआर साहब से कर रहे हैं। ओल्ड सिटी की तरक्की, उस ओल्ड सिटी की पसमानदगी और पसमानदा होती जा रही है। ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट आप नाम ले रहे हैं, फिर वो जो आप जो 1000 करोड़ रुपये का वादा किए, वो 1000 करोड़ रुपये कहाँ लगाए गए, कहाँ खर्च किए गए वो 1000? ऐसे ही मेट्रो अगर कनेक्ट हो जाए हमको तो ओल्ड सिटी से हमारे कई नौजवान जो हाईटेक सिटी में जॉब करते हैं, कैब ड्राइवर है, छोटे कारोबार करने वाले हैं, मेट्रो के ज़रिए से अगर कनेक्ट हो जाए वो हमारी ओल्ड सिटी, तो एक तो मुसाफत भी यानी टाइम भी बच जाता, और ख़र्चा जो पेट्रोल का जो आने जाने का वो तनख्वाहों में आधे से ज़्यादा पैसे चले जाते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कब तक वादों पे हम भरोसा करें? और मैं एक चीज़ बहुत तकलीफ़दा है, उलमाए कराम टीआरएस की तायद का ऐलान कर दिए, और कल अखबार में ये ऐलान कर दिए कि केसीआर साहब पेंडेमिक के वजह से और हालिया बारिश और सैलाब की वजह से ये मसाजिद जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में उन्होंने ऐलान किए थे संगे बुनियाद दोबारा तामीर का, इसके बाद उन्होंने वो मसाजिद बना देंगे। मैं उलमाए किराम का बसद्दे एहतराम, मैं उनसे मेरा सवाल है, क्या केसीआर साहब की आपकी कोई उनकी बातचीत हुई? किसने आपको, क्या केसीआर साहब ने टेलीफोन किया या आपको बुलाया? अगर बुलाया केसीआर साहब तो उलमाए किराम पहले अखबारात की जीनत बन जाते, सबको मालूम है। मुझे तकलीफ़ है इस बात की भी। और एक बात जो सबसे और तकलीफ़दा है, उस्मान नगर में जो मुसलमानों के तकरीबन 600 मकान डूबे हुए हैं, उन मकान में आज भी पानी जूँ का तो वहाँ पर वो मकान डूबे हुए हैं। 20 दिन पहले वहाँ से एक लाश भी निकली सड़ी गली हालत में। मुझे ये भी पता चला कि वहाँ कई ज़ईफ़ और माजूर लोग, फालिज शुदा लोग जो उठ नहीं सकते थे, अपाहज, वो लोग घरों से निकल भी ना पाए और वहीं
अल्लाह आलम उनके हालत क्या होगी, खुसूर क्या है हमारा, मुसलमानों का खुसूर क्या है, क्या ऐसी हालत कहीं दूसरी जगह होती तो क्या हुकूमत बर्दाश्त करती, क्या दूसरे तबकात इसको बर्दाश्त करते, ये सौतेला रवैया क्यों है। इन तमाम हालात को देखते हुए, जैसा कि अभी आपने जैसा बताया कि सेक्रेटरीट की जो मस्जिदों को शहीद किया गया, तो इस ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की हुकूमत के खिलाफ? कोर्ट को गए, सबको मालूम है, अब्दुल्ला सुहेल हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, समीर वलीउल्लाह हैं, फिरोज खान भी गए, हम लोग सब इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि उनका उन्होंने खुद वादा किया था, और इसके अलावा इसके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जिसमें मुश्ताक मलिक साहब और दीगर तमाम मकतब फ़िक्र के अहबाब जमा हुए, और जब प्रेशर बढ़ा तब जाके उलमा कराम को बुला के उन्होंने वादा करे थे कि मैं बना दूंगा। लेकिन जैसे ही उनके वादा हजब साबिक जो वादा करते उसके बाद वफा नहीं होता, इसी तरह वो हम तो तमाम लोग कई मरतबा गिरफ्तारियाँ पेश हुई उस सिलसिले में, मालूम है सबको, शहर में एक हलचल हो रही थी, तो खाली मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए एक बयान दे दिए उलमा कराम से कि मस्जिदें बन जाएंगी। आज भी उलमा कराम उनकी तायद करते हुए ये ऐलान कर दिए कि केसीआर साहब बना देंगे। कौन उलमा कराम में किसको फ़ोन करे केसीआर साहब, कौन सा गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कौन से मिनिस्टर फ़ोन करके किस आलिम को, क्या रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू अकेडमी के जो चेयरमैन हैं क्या उनसे बात हुई? ये सिर्फ यानी उन्होंने बोल दिए हम बना देंगे, कौन से वादों पर अमल करेंगे, अमल हो रहा, मुसलमान कब तक भरोसा करें। लिहाजा ये जो इंतखाबात है इसमें इसके रिज़ल्ट के दिन मालूम होगा कि मुसलमान किसके साथ है। और एक चीज़ जैसे कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगर जीतने गए तो, क्या जैसे कि आवाम के लिए क्या सहूलतें? सब मैनिफेस्टो में ऑलरेडी आप लोगों के पास सबको आ गया, अखबारात की जीनत भी बन चुका है, अखबारात में भी शाया हो चुका है। तालीम से जोड़ना सेहत और रोज़गार का जो मसला है ये बहुत अहम चीज़ें हैं। आज लॉकडाउन के बाद से ये जो पैंडमिक हुआ इसमें हम लोगों ने हुकूमत से डिमांड रखा था कि जो लोग कोविड से जिनका इंतकाल हुआ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गवर्नमेंट उनको 10 लाख रुपए एक्सग्रेशा देना, और जिस तरह से आरोग्य श्री के तहत तो इलाज किया जाता दूसरे अमराज का, ये भी ये जो चूंकि वबाई एक बड़ी आफत है इसका भी उसी तरह से आरोग्य के तहत उनका इलाज किया जाए। लेकिन देखिए लोग घर बेच दिए, लोग जायदादें बेच दिए, लोग यानी देखते देखते सड़कों पे आ गए, 15 से 20 लाख रुपए देने के बावजूद भी लोगों को लाशें उनके हाथों को हवाले हैं, वो भी देख भी नहीं पाए, कई लाशें बदल भी गई, कई लोगों के ख्यालात क्या क्या अफवाहें सबके सामने फैली के यानी किसी जिस्म के आज़ा निकाल दिए फलाना फलाना, अल्लाह आलम वो कहाँ तक सही है। लेकिन हमारा सबसे अहम मसला है सेहत आम्मा का, चूँकि आज के हालात जो है कोविड की दूसरी लहर जो शुरू हो रही, बल्कि जो अल्लाह रहम फरमाए हमारे शहर के तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहब के लोगों की अल्लाह हिफाजत करे, और फ़िरका परस्ती से हमको इस शहर को बचाना है, एक दूसरे को जिस तरह से यानी जिस फ़िरकावराना नवीयत पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम तमाम तबक़ात को लेकर इस शहर में, जो कि आप सब जानते हैं मेट्रो का जो भी प्लान था वो कांग्रेस गवर्नमेंट का, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए कांग्रेस लाई, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो तमाम आउटर रिंग रोड हो या दूसरे इनर रिंग रोड हो, तमाम ये फ्लाईओवर हो, तमाम ये कारनामे कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट में आप सब जानते हैं कि पेट्रोल किस कीमत पे था, महंगाई गैस सिलेंडर आज डबल कीमत से बढ़ गया, और कांग्रेस गवर्नमेंट में डीजल की पेट्रोल की क्या कीमत थी, अशिया या ज़रूरिया की कीमतें क्या थी, आज आसमान से बातें कर रही हैं। गवर्नमेंट जब भी इंशाल्लाह कांग्रेस की मेयर अगर मुंतखब हो जाए इंशाल्लाह हमारा,
तो हम ज़रूर यहाँ पर ये सहूलियात लोगों के दरमियान पहुँचकर लोगों के जो दुख है दर्द है इंशाल्लाह। और एक चीज़ आपको ये साथ ये भी बता दूँ कि 10,000 की जो स्कीम कौन से लोगों तक पहुँची है, ये फ्लड के मुतासरी के लिए ये स्कीम आई थी और बाहर से कई लोग जो साहेब सरवत है, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, गवर्नमेंट्स दीगर स्टेट्स के भी, वो यहाँ की गवर्नमेंट को पैसा भेजा गया। वो पैसे आज देखिए, शाहीन नगर के मकान आज भी मकीन वैसे ही हैं, दरबदर किराए के घरों में हैं, कहीं शादी खाने में, कहीं स्कूल में पड़े हुए हैं। क्या उनको 10,000 रुपये पहले तो उनको दिए भी नहीं गए, और दिए भी गए हैं तो वहाँ पर कमीशन की बुनियाद पर सबके सामने हैं धंधे हुए, और वो जो मकानात के निकासी के लिए KCR गवर्नमेंट का क्या प्लान है बताया क्या? कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं है क्या यहाँ पर? उस वो तुम को जो बंद कर दिया गया, वहाँ से वहाँ पानी जाने का रास्ता निकाला जाए। पहले तो वो जो लोग बंद किए उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जारी होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो अपनी जानों से यानी हाथ धो बैठे, उनका जो लोग इसमें मुलविस थे उनके ऊपर खातिलाना यानी कत्ल के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ड्राइवर्स को जो वो यानी तालाबों को मेटे, तालाबों को पुश्तों को जहाँ से पानी के जाने के रास्ते थे वो तुम को जो बंद करें, उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस होना चाहिए। लेकिन कोई यानी पुरसाने, चूँकि मुसलमान है ना, इसको और भी दीगर तबकात को भी बहुत नुकसान हुआ, गरीब दलितों का भी बहुत नुकसान हुआ। गवर्नमेंट उनकी राहत कारी का इंतज़ाम करना चाहिए था, ना कि इलेक्शनों पे इलेक्शन के सर आए, जैसे इलेक्शन आए वो अपने अपने जिसको नुकसान भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं, अमीर उमरा लोग हर कोई आदमी वाले भी हराम है, वो पैसा दिए वाले भी हराम है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ कि जो हकायक है, मेरी TRS से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं KCR मैं महमूद अली साहब का बहुत करीबी आदमी, क्योंकि मैं अलहदा तेलंगाना का एक सिपाही तहरीक का हम यही सोच करके यहाँ पर मुसलमानों को जो यहाँ का रेवेन्यू आंध्रा वाले लूट के ले जा रहे थे, यहाँ का रेवेन्यू यहीं रहेगा और यहाँ मुसलमानों गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैदराबाद तेलंगाना में रहते हैं इनको फ़ायदे होंगे। देखें असल हकीकत देखें तो अब सबके सामने है। और ये उस्मान नगर का जो तालाब है वहाँ के मुतासिरीन की ये 1 तारीख को मुसलमान दिलों में रखे हुए हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और एक सवाल के आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कुछ वजह, जैसे आप एक हकीकतन हैं और कहीं पर आपने कहीं ऐसे काम किए हैं जो पॉलिटिक्स से नाता नहीं रखते हैं आपके काम, वो उनसे कोई आपका रिएक्शन नहीं है, तो इस तरह से एक सवाल ये है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की वजह? देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं मैं चूँकि जमात का, चूँकि यहाँ बात TRS का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, हमारे दोस्त की गाड़ी में गांजा दल करवा दिए थे RS में, हम लोग तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जो सेक्युलर जमातें हैं उनको साथ लेकर काम किए। और आपको ये बता दूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इस कांग्रेस पार्टी के सदर भी रह चुके हैं और मुफस्सिर कुरान रह चुके हैं। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क को तोड़ने से बांटने यानी जो मुल्क टुकड़े हुआ उसके सख्त खिलाफ़ थे, वो हम भी उसके खिलाफ हैं आज भी हम, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका दस्तूर तमाम लोगों को जिन्हें दस्तूर जब बनाया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कांग्रेस पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके ये बनाए सो है। और कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर जमात है, इस फिरका BJP के खिलाफ अगर वो डटी हुई है आज मौजूदा माहौल में हमको कांग्रेस पार्टी के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक सेक्युलर जमात है। बहुत जगह मैं दूध के धुले हुए किसी को नहीं कहता, लेकिन मौजूदा आज जो माहौल है, आज का जो
इस माहौल में, इस पुराशुभ माहौल में हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को इकट्ठा लेकर चलने का आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इस वक्त हम सब मिलकर दस्तूर को बचाने की फिक्र करना है, और दस्तूर को बचाने के लिए सबसे फ्रंट लाइन में अगर कोई जमात है वो कांग्रेस पार्टी है। मैं यही है कि आज का जो माहौल जिस तरफ ले जाया जा रहा है मुल्क को, मुल्क में फिर कोई बड़ा अल्लाह ना खास्ता कोई जिस तरह से पार्टीशन में लाखों हिंदू मुस्लिम का एक यानी एक मक्तलगाह बन गई थी ये हमारा मुल्क, उसी तरफ यहाँ पर हमारे मुल्क को दानिस्ता तौर पर फिरका परस्त अनासिर जिनके जब भी आपको मालूम है जब भी ये लोग दूसरे बाहर वालों के एजेंट थे, आज जो सरकार में है देखिए किस तरह से दौलत लेके लूट के यहाँ से लेके चले गए। ये जितने दौलतमंद लोग हैं किन से कौन सी जमात से उनका ताल्लुक था जो भाग गए यहाँ से, उन्होंने वादा किया था कि हम सब के भाग्यों को वापस लाएंगे। और इस महंगाई के बोझ के तले अगर कोई दब रहा है तो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब आवाम इसके इस चक्के में पिस रहे हैं। हम इससे निकालने के लिए हम कोशा हैं, और यही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर हम मुल्क में अमन व अमान और फिरकावराना हम आहंगी को बरकरार रखने की जद्दोजहद करें। जैसे कि आप लोग देख रहे थे इस वक्त हमारे सामने जो मौजूद थे कारवन एरिया से जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है जनाब उस्मान राजे साहब हमारे साथ मुखातिब थे, और उन्होंने तमाम बातों का खुलासा किया है जो पॉलिटिकल्स से जो रिलेटेड है उन बातों का भी खुलासा किया, और साथ ही में कई सारी बातों को आप लोगों के सामने इजहार करने की भी कोशिश की है। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी कैमरामैन सैयद फैज़ के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का, हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।